Hello student, this is the VSK and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss the concept of rolling motion. After that, we will try to solve number of problems on the same concept, that is nothing but the rolling motion. So let us start one by one. So, सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि what is a rolling motion. Okay, so before that one, before understanding the concept of rolling motion, let us try to perform one experiment. यहाँ पे एक inclined surface आपको दिख रहा होगा. Okay, इस inclined surface के ऊपर से same height से हम चार object को यहाँ से release करने वाले हैं. पहला object कौन सा है? It is a solid cylinder. Second object कौन सा है? It is a hollow cylinder. Third one, it is a solid sphere. And fourth one, it is a hollow sphere. अगर इन चारों objects को मैं यहाँ से ऊपर से same height से अगर release करूँगा, okay? Same height से अगर release करूँगा, तो इनमें से कौन सा object सबसे पहले bottom पे reach होगा? Okay, मैं repeat कर रहा हूँ, यहाँ पे same height से अगर चारों अलग-अलग objects को अलग-अलग nature के objects को हम release करते हैं from the same height, तो इन चारों में से सबसे पहले कौन सा आएगा? तो इसका answer हम यहाँ पे on the basis of calculation दे सकते हैं. So before that one, exactly यहाँ पे क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं. So आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम race start करेंगे तो सबसे पहले solid sphere, उसके बाद hollow sphere, अगर दोनों spheres का हम race लगा रहे हैं, अगर दोनों cylinders का race लगाते हैं तो सबसे पहले solid cylinder, उसके बाद hollow cylinder, अगर चारों का comparison यहाँ पे कर रहे हैं, अगर चारों का radius same है तो सबसे पहले reach हो रहा है नीचे, that is nothing but the solid sphere, उसके बाद solid cylinder, उसके बाद hollow cylinder, sorry hollow sphere, उसके बाद hollow cylinder. तो सबसे पहला नंबर चारों में से आ रहा है solid sphere का, सेकंड नंबर आएगा solid cylinder का, थर्ड नंबर आएगा hollow sphere का, फोर्थ नंबर आएगा hollow cylinder का. ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका conceptual discussion हम अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 100% बता दूंगा कि ऐसा क्यों होता है. Okay, so उसके लिए let us consider this situation. So this is the inclined surface which makes an angle theta with respect to the horizontal. Okay, और यहाँ से लेके तो यहाँ तक का जो भी height है, that height let us imagine that it is a h. इस point से लेके इस point तक का, okay, surface का जो भी length है, that length it is represented by s. So h is a height from which that rolling object is released, or s is the amount of distance which is covered by that rolling object. Okay, so this is the angle of inclination. तो यहाँ पे किसी भी object को अगर हम ऊपर से release करते हैं, it may be the solid sphere, it may be the hollow sphere, it may be the ring, it may be the disc, it may be the solid cylinder, it may be the hollow cylinder, whatever it. तो उस object का अगर रेडियस अगर हम r कंसिडर कर रहे हैं, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन अगर k है, ओके, और वो h इतने हाइट से अगर रिलीज कर रहे हैं, और थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिस सरफेस के ऊपर वो रोलिंग मोशन करने वाला है उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, अगर ये चार पांच चीज़ें आपको पता है, और v अगर हम इमेजिन करेंगे कि इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी व्हेन दैट ऑब्जेक्ट रीच एट द बॉटम. ओके, सो जब ऑब्जेक्ट ये नीचे रोलिंग होते आएगा तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितना होगा? इट इज नथिंग बट द वी. डेफिनेटली उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? जीरो. और जब वो यहाँ पे रीच कर रहा है तो इस ड्यूरेशन में उसका जो भी एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट द ए. तो उस ऑब्जेक्ट का फाइनल वेलोसिटी एट द बॉटम कितना होना चाहिए? तो ये हमने थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो भी आएगा, दैट फाइनल वेलोसिटी का इक्वेशन, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन
वन प्लस, ओके ये स्क्वायर रूट के अंदर ही है पूरा, वन प्लस इट्स अ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर ही है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन आ गया वेलोसिटी का। दूसरा इक्वेशन जो भी आएगा दैट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन आफ्टर कैलकुलेशन, दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन, इट्स अ वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट्स अ वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट रोलिंग ऑब्जेक्ट। अब आपको यहां पे फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है ये आपको पता चल चुका होगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द हाइट। तो इन दोनों के रेशो के ऊपर इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उतनी वेलोसिटी कम होगा, जितना कम ये वैल्यू होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगा। उसी तरह एक्सेलरेशन जो भी है, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ दिस टू थिंग्स, दैट इज अ के एंड आर, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड रहेगा। और इसके अलावा जो भी टाइम का इक्वेशन है, ओके टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस बॉटम पॉइंट, तो दैट टाइम का इक्वेशन जो भी है इट इज इक्वल्स टू टी, इट इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी ब्रैकेट में वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इन तीन प्रॉब्लम्स, तीन इक्वेशंस को आपको ध्यान से रखना, याद रखना है। ओके सो फर्स्ट वन इज अ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन टू इट इज नथिंग बट द टाइम टेकन बाय दिस ऑब्जेक्ट टू रीच अप टू द बॉटम, बॉटम तक आने के लिए एच इतने हाइट से कितना टाइम लगेगा, इट इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी इसके पहले आपने एक एनिमेशन देखा था उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट जब सबसे ज़्यादा फास्ट आ रहा है नीचे, भले सबके रेडियस अगर सेम है, ओके तो फिर भी हॉलो स्पीयर और सॉलिड स्पीयर का जब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे तो डेफिनेटली दोनों के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू डिफरेंट रहेगा। तो उसके बेसिस पे ही यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी और टाइम ये और एक्सेलरेशन सब कुछ डिपेंड रहेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर, रोलिंग मोशन के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीयर रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एज द स्पीयर रीचेस द बॉटम। ओके तो यहाँ पे जब भी वो स्पीयर यानी सॉलिड स्पीयर डेफिनेटली वो नीचे आएगा बॉटम सरफेस पे तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। द सिचुएशन इज लाइक दिस वन, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा और इस इंक्लाइन सरफेस पे इस सॉलिड स्पीयर का रोलिंग मोशन हो रहा है। ओके सो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट एक्सेलरेशन इक्वेशन वी नो वेरी वेल, द इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेशन इट इज इक्वल्स टू, हमने जस्ट फाइंड आउट किया था, इसके पहले हमने डिस्कस भी किया था उसके बारे में, इट्स अ जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द के, इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दैट सॉलिड स्पीयर, आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दैट सॉलिड स्पीयर। ओके तो ये एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब उस सॉलिड स्पीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन की वैल्यू होगा इट इज के इज इक्वल टू टू बाय फाइव इंटू आर, अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर करता हूँ तो के स्क्वायर इट इज इक्वल टू टू बाय फाइव इंटू आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर को हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, सो इट इज़ इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 2/5। ओके, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू फॉर द सॉलिड स्फीयर इट इज़ इक्वल टू 2/5। सबपुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट हियर इट इज़ इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 + 2/5। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम अ 7/5, सो इट इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 7/5। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, सो इट इज फाइनल इक्वेशन इट इज इक्वल्स टू 5/7 जी साइन थीटा। So this is nothing but the acceleration of the solid sphere when it reach bottom या किसी भी point पे उसका acceleration same होता है। Okay, so 5/7 g sin theta, so this A option is a correct one. Second question, a solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane ऑफ लेंथ एल एंड हाइट एच। ओके, एच इतना हाइट से वो सॉलिड सिलेंडर जिसका मास है एम और रेडियस है आर वो रोलिंग कर रहा है, ओके, विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पे वॉट इज द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस इट्स बॉटम। ओके, तो उस ऑब्जेक्ट का यानी उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का स्पीड कितना होगा व्हेन इट रीचेस द बॉटम वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन में वेलोसिटी एट द बॉटम का फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन 1 + k² / r². ओके, सो 2gh अपॉन 1 + k² / r², वेयर k इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दैट सॉलिड सिलेंडर। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का इक्वेशन क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हो, फॉर द सॉलिड सिलेंडर सो k इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/2 × r। सो देयरफॉर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। ओके, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1/2। सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ दिस वन द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन विद रिस्पेक्ट टू द आर उनका स्क्वायर का जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रहा है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन 1 + ओके इट्स अ 1/2 मल्टीप्लाई प्लस 1 इट इज इक्वल टू 3/2 आएगा। सो 3/2 अगर आ रहा है तो 2 ऊपर जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 4/3 जी एच। सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास, उस ऑब्जेक्ट का जो भी सेंटर ऑफ मास रहेगा उसका वेलोसिटी एट द बॉटम इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4/3 GH. So option B is correct one. Next question, a solid sphere having the mass twice m and a thin hollow spherical cell having the mass of m. Okay, एक solid sphere है, एक hollow spherical cell है, both of the same size यानी दोनों का radius same है, rolls down an inclined plane, then फर्स्ट ऑप्शन सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन हॉलो स्फेरिकल सेल विल रीच द बॉटम फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन बोथ विल रीच द सेम टाइम। ओके, दोनों के दोनों सेम टाइम रीच करूंगे बॉटम पे, या फोर्थ ऑप्शन इट इज नथिंग बट द नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर भी हमें यहाँ पे कंसेप्चुअली डिस्कस करना है। अब जो भी सॉलिड स्फीयर दिया है उसका मास है ट्वाइस एम, हॉलो स्फीयर का मास है एम। अब देखा जाए तो मास सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा है, लेकिन फॉर्मूले में हमें जैसे कि इंट्रोडक्शन में देखा था फॉर्मूले में कहीं पे भी मास रोल प्ले नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे मास का कुछ इफेक्ट नहीं होगा, दोनों का रेडियस सेम है। ओके, अब देखते हैं
सबसे पहले बॉटम पे कौन आएगा, ओके, यानी रेस कौन विन करेगा। तो आंसर इजी है, जिसको टाइम कम लगेगा बॉटम पे आने के लिए वो जीत जाएगा, और जिसको टाइम ज़्यादा लग रहा है वो हार जाएगा। ओके, तो टाइम का इक्वेशन हमें पता है, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ द टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू यानी बॉटम तक हाइट एच, इतने हाइट से लेके बॉटम तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एच अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहां पे टाइम जो भी है इट इज डिपेंड्स ऑन व्हाट एच थीटा एंड के एंड आर, यानी इन दोनों के रेशियो के ऊपर। ओके, अब दोनों की जब हम रेस लगा रहे हैं तो दोनों के लिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन सेम होना चाहिए, यानी थीटा सेम रहेगा। दोनों के लिए सेम हाइट से रिलीज कर रहे हैं तो एच सेम रहेगा, और दोनों एक ही प्लेस पे हम प्रोसेस कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर उन दोनों का रेस हम लगाते हैं सो दिस टाइम इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, इनके रेशियो के ऊपर डिपेंड रहेगा। व्हाट इज द के, इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, व्हाट इज द आर, इट इज द रेडियस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सॉलिड स्पीयर की बात करते हैं, सॉलिड स्पीयर की, तो फॉर द सॉलिड स्पीयर के लिए रेशियो ऑफ के इट इज इक्वल टू, या के इज इक्वल टू 2/5 इंटू वॉट, 2/5 इंटू आर, ओके, अंडर रूट ऑफ 2/5 इंटू आर। सो देयरफॉर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2/5 आएगा। ये सॉलिड स्पीयर के लिए है। स्पेरिकल सेल यानी हॉलो स्पेरिकल सेल के लिए ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए, के इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द स्पेरिकल सेल इट इज इक्वल्स टू आर। सो देयरफॉर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अब ये दोनों वैल्यूज अगर देखते हो तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे अब हमारा आंसर होना चाहिए कि स्पेरिकल सेल के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का जो भी रेशियो है इट इज इक्वल टू 1, और सॉलिड स्पीयर के लिए इट इज अ 2/5, 0.5 से भी कम आएगा। ओके, तो यहाँ पे इसके बेसिस पे के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू स्पेरिकल सेल के लिए ज़्यादा है, तो डेफिनेटली के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू स्पेरिकल सेल के लिए अगर ज़्यादा है तो टी की वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी स्पेरिकल सेल को बॉटम तक रीच होने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा एज कम्पेयर टू द सॉलिड स्पीयर। ओके, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्पीयर फास्ट रीच होगा एज कम्पेयर टू द हॉलो स्पीयर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, सॉलिड स्पीयर रीच द बॉटम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लाइन प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। इंक्लाइन सरफेस ने हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल किया, 30 डिग्री। अ सॉलिड स्पीयर रोलिंग डाउन दिस इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द रेस्ट विदाउट स्लिपिंग हैज अ लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू। ओके, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है सॉलिड स्पीयर का जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का इक्वेशन जो भी है दैट एक्सेलरेशन का इक्वेशन इट इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे फॉर द सॉलिड स्पीयर वी नो दैट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू होगा इट इज इक्वल्स टू 2/5। ओके, और साइन थीटा साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू होना चाहिए इट इज इक्वल्स टू 1/2। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे सेपरेट कर दो, सो देन वी गेट इक्वेशन इट इज इक्वल टू जी इन टू 1/2 अपॉन 1 प्लस 2/5। ओके, सो यहाँ पे इट इज इक्वल टू 7/5 आ जाएगा। 7/5
जी इंटू वन बाय टू अपॉन सेवन बाय फाइव, तो फाइव ऊपर जाएगा टू नीचे आएगा, दिस इज इक्वल्स टू फाइनल, इट इज इक्वल्स टू, इट्स अ फाइव जी अपॉन सेवन मल्टीप्लाइड बाय टू, इट्स अ फोर्टीन. सो दिस इज अ लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ दैट सॉलिड स्पीयर व्हेन इट इज रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड सरफेस विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल. सो इट्स अ 5g अपॉन 14. सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी इक्वल्स टू डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्पीड ऑफ अ होमोजीनियस सॉलिड स्पीयर आफ्टर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट h फ्रॉम रेस्ट विदाउट स्लाइडिंग इज. ओके, सो यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड आउट करना है एक सॉलिड स्पीयर का. ओके, सॉलिड स्पीयर का स्पीड हमें फाइंड आउट करना है जो एक रोलिंग मोशन कर रहा है ऑन द इंक्लाइन सरफेस फ्रॉम द हाइट h, h इतने हाइट से. ओके, जब वो स्टार्ट हुआ था उस वक्त वो रेस्ट पोजिशन पे था. ओके, नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हमें वेलोसिटी का इक्वेशन पता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दैट वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है बॉटम पे, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर. ओके, तो यहाँ पे सॉलिड स्पीयर के लिए के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इट इज इक्वल्स टू टू बाय फाइव, सबट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन, सो वी गेट हियर इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन टू बाय फाइव आ जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू सेवन बाय फाइव, सेवन बाय फाइव. ओके, फाइव ऊपर, सो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ इट इज इक्वल टू टेन जी एच अपॉन सेवन. सो दिस इज अ फाइनल आंसर. अकॉर्डिंग टू मी द आंसर इज नथिंग बट द टेन बाय सेवन जी एच, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिंग सॉलिड स्पीयर एंड डिस्क आर रोलिंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेम हाइट, देन द सिक्वेंस टू रीच ऑन द सरफेस इज. ओके, तो यहाँ पे तीन चीज़ों का, तीन ऑब्जेक्ट्स का हम रेस लगा रहे, सेम हाइट से उनको छोड़ रहे, सेम हाइट से उनको रिलीज कर रहे फ्रॉम द रेस्ट. ओके, सो फर्स्ट वन इज नथिंग बट द रिंग, सेकेंड वन इज नथिंग बट द सॉलिड स्पीयर, थर्ड वन इज नथिंग बट द डिस्क. ओके, सो सेम हाइट से अगर हम रीच कर रहे हैं तो इन तीनों में से सबसे पहले बॉटम पे कौन आएगा. ओके, तो ये हमें टाइम का इक्वेशन दे सकता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन ऑफ थीटा अंडर रूट ऑफ इट्स अ ट्वाइस एच अपॉन जी ब्रैकेट में वन प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, व्हाट इज द के, इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स, आर इज नथिंग बट द रेडियस, एच इज नथिंग बट द हाइट फ्रॉम वेयर दे आर रिलीजिंग, जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन. इन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर थीटा, एच और जी ये कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे टी जो भी है, दैट टी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ वन प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. तो यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का ये रेशियो सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये रेशियो कम होगा उसके लिए टी की वैल्यू कम होगा. ओके, तो इसके बेसिस पे यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करते हैं. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द सॉलिड, तो सॉलिड के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए, सो के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर अभी तक हमने बहुत बार फाइंड आउट किया है, इट इज इक्वल्स टू टू बाय फाइव. ओके, एक रिंग के लिए, अगर हम रिंग कंसिडर कर रहे हैं तो रिंग के लिए के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर, के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इट इज इक्वल्स टू वन, और सॉलिड डिस्क के लिए,
ओके, सॉलिड डिस्क अगर कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो डिस्क के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, तो ये सभी स्टैंडर्ड वैल्यूज है उस सॉलिड स्फीयर का, रिंग का और डिस्क का। व्हाट आर देयर डायमेंशंस, व्हाट आर देयर मासेस, बट द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ गायरेशन टू द रेडियस। ओके, तो इट इज इक्वल्स टू दिस वन। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर द सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/5। वही रिंग के लिए 1 आएगा और डिस्क के लिए 1/2 आ रहा है। ओके, सो सबसे ज़्यादा कौन सी वैल्यू आएगा? सो यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू 1, ये सबसे ज़्यादा आ रहा है रिंग के लिए, यानी रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज़्यादा, यानी रिंग सबसे लेट पहुँचेगा, और उसके बाद वैल्यू आ रहा है डिस्क का। ओके, और उसके बाद वैल्यू आएगा, यानी उससे कम वैल्यू आएगा इट इज़ द सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के सबसे कम टाइम, उसके बाद नंबर आएगा डिस्क का, और उसके बाद फाइनल नंबर आएगा रिंग का। तो सॉलिड स्फीयर, डिस्क और रिंग, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m स्लाइड डाउन एंड इंक्लाइन एंड रीचेस द बॉटम विद अ वेलोसिटी v। ओके, एक मास को स्लाइड डाउन कर रहे हैं यहाँ पे, नॉट अ रोलिंग, ओके, स्लाइड हो रहा है वहाँ पे मास, और बॉटम पे पहुँच रहा है विद द वेलोसिटी v। ओके, इफ द सेम मास वेयर इन द फॉर्म ऑफ रिंग, ओके, सेम मास को रिंग के फॉर्म में हम इमेजिन करना है, विच रोल्स डाउन दिस इंक्लाइन, ओके, उसी इंक्लाइन सरफेस पे वो रोल डाउन करेगा, द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एट द बॉटम वुड हैव बीन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम सिचुएशन को समझते हैं कि एक इंक्लाइन सरफेस है, ओके, तो इस सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, एक मास है जिसकी वैल्यू है m, स्मॉल m, ओके, ये जो भी मास है ये स्लाइड डाउन कर रहा है, इट इज़ नॉट रोलिंग, इट इज़ स्लाइड डाउन सिंपली। ओके, तो जब वो यहाँ पे रीच होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी हम कंसिडर करेंगे v, और यहाँ से जब छोड़ रहे थे उसको, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी था u, विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो जब ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ से छोड़ा था उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 था। वो कितने हाइट से हम उसको छोड़ रहे हैं? तो दैट इज नथिंग बट द h। सो इस ऑब्जेक्ट में टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होना चाहिए? सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द m इंटू g इंटू h, विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू m इंटू v स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इंटू द काइनेटिक व्हेन इट रीच हियर। ओके, तो यहाँ पे m गेट कैंसल, सो व्हाट इज द रिमेनिंग? रिमेनिंग इज दिस v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच, ये वैल्यू आ गया v का। ओके, वेलोसिटी g इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच, ये वैल्यू आ गया जब एक आदि ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट मास जब स्लाइड कर रहा है उस इंक्लाइन सरफेस पे। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम सेकंड सिचुएशन इमेजिन करेंगे कि एक रिंग को हम रोल डाउन कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सेम ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे, सॉरी सेम इंक्लाइन सरफेस कंसिडर करेंगे, उसके ऊपर एक रिंग, इस रिंग का मास एम ई आएगा। ओके, स्मॉल m इतना ही आएगा क्योंकि वो उसी रिंग से, उसी मास से ये रिंग बना हुआ है। अब इसका रोल डाउन होगा, अब जब रोल डाउन होगा इसका रिंग का, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट कितना होना चाहिए बॉटम पे? तो उसका फार्मूला हमें अच्छे तरह से पता है, द वेलोसिटी एट द बॉटम व्हेन इट इज जस्ट रिलीज फ्रॉम द हाइट h, इतने हाइट से अगर उसको रिलीज कर रहे हैं, अगर थीटा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी का इक्वेशन जो भी आएगा, इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द के? इट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ दिस रिंग। ओके, और रिंग के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच अपॉन 1 + 1, इट इज इक्वल्स टू 2। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2।
ओके, अंडर रूट ऑफ टॉइस जी एच की वैल्यू कितना है, वी, इट इज गिवन, सो देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, सॉरी इट इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ टू. सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट रिंग, ओके, ऑफ दैट रिंग व्हेन इट रीच द बॉटम, इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द मास अपॉन रूट टू. सो आंसर इज अ सी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्पीयर डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर ऑल ऑफ द सेम मासेस एंड मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल आर अलाउडेड टू रोल डाउन फ्रॉम द रेस्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन देन. ये इस टाइप के हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन और रेडियस इनका रेशियो ज़्यादा, उसके लिए टाइम सबसे ज़्यादा. ओके, तो यहाँ पे इन तीनों का अगर हम सोचते हैं तो सॉलिड स्पीयर है, डिस्क है और सॉलिड सिलेंडर है. तो सॉलिड स्पीयर के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन जो भी आता है, रेशियो जो भी आता है के अपॉन आर होल स्क्वायर का, इट इज़ अ 2/5. डिस्क के लिए जो भी आता है इट इज इक्वल टू 1/2 और सॉलिड सिलेंडर के लिए जो भी आएगा इट इज अगेन 1/2. तो डिस्क और सॉलिड सिलेंडर दोनों सेम टाइम पे रीच होंगे लेकिन सॉलिड स्पीयर इन दोनों से पहले निकल आ जाएगा नीचे. तो यहाँ पे सॉलिड स्पीयर रीच द बॉटम फर्स्ट. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन. ओके, सॉलिड स्पीयर रीच द बॉटम लास्ट नहीं हो सकता है. डिस्क विल रीच द बॉटम फर्स्ट. अकेला डिस्क रीच नहीं करेगा, डिस्क के साथ साथ सॉलिड सिलेंडर भी साथ में आएंगे, ये दोनों साथ में आएंगे और सबसे पहले विन होगा, इट इज नथिंग बट द सॉलिड स्पीयर. द आंसर ए इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन सॉलिड स्पीयर एंड डिस्क ऑफ द सेम रेडियस आर फॉलोइंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिप. ओके, वन रीच अर्लियर देन द अदर ड्यू टू. ओके, इसका आंसर हमें पता है अच्छी तरह से, दैट इज नथिंग बट द ड्यू टू द डिफरेंट रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों ऑब्जेक्ट का डिफरेंट है, देयरफॉर द रेशियो ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिफरेंट आएगा. उसी की वजह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पहले पहुँचेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट लेट पहुँचेगा. अब यहाँ पे और एक डिस्कशन करना रह गया था, अगर दो सॉलिड स्पीयर है, मान के चले कि दोनों के दोनों सॉलिड स्पीयर है लेकिन दोनों का साइज डिफरेंट है तो वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगा. द आंसर है दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों के लिए, भले एक स्पीयर छोटा है एक स्पीयर बड़ा है लेकिन दोनों के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू तो सेम आएगा, देयरफॉर वेलोसिटी दोनों का सेम आएगा, प्रोवाइडेड दैट कि उन दोनों का सेंटर ऑफ मास सेम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्पीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. अ सॉलिड स्पीयर इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस शोन इन फिगर विद अ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी. ओके, इफ द स्पीयर क्लाइम्स अप टू हाइट एच देन द वैल्यू ऑफ वी शुड बी इक्वल्स टू. ओके, सो वी कितना होना चाहिए, वेदर इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10/7 जी एच, वेदर इट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एच, वेदर इट इज इक्वल टू ट्वाइस जी एच और वेदर इट इज इक्वल टू 10/7 जी एच, कितना होना चाहिए. यहाँ पे देखिए, अगर कंसेप्चुअली हम थोड़ा सोचते हैं तो जब ये सॉलिड स्पीयर इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा इट इज नथिंग बट द हाफ एम वी स्क्वायर वेर वी इज नथिंग बट द वेलोसिटी, एम इज नथिंग बट द मास. अब वो काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी और ऑब्जेक्ट को यहाँ तक आने के लिए, ओके, यहाँ तक ऑब्जेक्ट को आने के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना होगा. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, जी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज नथिंग बट द हाइट, इतना हाइट उसको ऊपर क्लाइंब करना है और एम इज नथिंग बट द मास. तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी अगर इससे कम है, पोटेंशियल एनर्जी से अगर काइनेटिक एनर्जी कम है तो ये क्लाइंब नहीं कर पाएगा 100%.
ओके, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पोटेंशियल एनर्जी, तो डेफिनेटली ये क्लाइम कर जाएगा और आगे भी मूव होगा। तो यहाँ पे मेन कंडीशन क्या है? तो मेन कंडीशन इज दैट दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर हाफ एम वी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी एच। ओके, दोनों तरफ मास है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? सो इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस जी एच। ओके, देयरफॉर वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच, मिल गया हमें आंसर। ओके, सो वेलोसिटी जो भी है इस ऑब्जेक्ट का वो इससे ज़्यादा होना चाहिए या इतना तो होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली इतना होता है तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, और इससे अगर ज़्यादा है तो वो क्लाइम करेगा और उसके बाद आगे जाएगा। सो आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।